हाय, वेलकम ऑल ऑन जिम्स ऑर्बिट। अभी लास्ट क्लास में वैसे हमने सर्किल किया था, लेकिन इस वाले पार्ट में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो कि बेस्ड हैं टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा लेट हो रहा है, आ जाएगा वो, आज पक्का आ जाएगा। देखिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आने लगे हैं और ये सीबीएसई 2010 और सीबीएसई 2015 दोनों बार आए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं होते हैं, बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, और अभी मैं तो यही कहूँगा उसे रट लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब ये डिटेल में मैं बता सकता हूँ, लेकिन उतना समय नहीं है। ऑल दो मैं बता तो रहा ही हूँ डिटेल में, लेकिन उतना नहीं, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी को मैंने बोला कि जाओ भाई एक दीवार बना दो, ठीक है। तो वो दीवार बनाने में कहता है मैं 10 दिन लूँगा, ठीक। अगर अब वो 10 दिन लेगा, मैं उससे कह रहा हूँ कितने मीटर दीवार बनानी है तुमको, वो बोल रहा है कि मैंने उससे बोला कि 20 मीटर दीवार बनानी है, 20 मीटर ऊंची दीवार, बहुत ऊंची दीवार हो गई, ठीक है। तो मान लीजिए 20 मीटर ऊंची बनानी है उसको, तो वो कह रहा है मैं 10 दिन लूंगा। इसका मतलब ये है कि वो एक दिन में कितनी दीवार बना के आ रहा होगा, 2 मीटर। क्या ये बात सही है? बात सही है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि वन डे वर्क जो है, जो एक दिन का उसका काम है, वो है टोटल वर्क जो उसे दिया गया था अपॉन नंबर ऑफ डेज में, वो जितने दिन में कंप्लीट करता है उस काम को, वही उसका वन डे वर्क है, वो एक दिन का काम उतना ही है। यानी अगर मैं उसे ये कहता कि चलो एक दिन का जो तो तुम्हारा टोटल वर्क जो है, जो तुम्हारा टोटल वर्क है वो मान लो 1 है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब कंप्लीट हो रहा है काम, ठीक है। और कितने दिन तुम लेते हो, 10 दिन, तो एक दिन का काम तुम्हारा कितना है, 1/10, यानी कि 1/10 पार्ट तुम खत्म करते हो 1 डे में। ये बात सही है ना। तो मैं उससे ये कह सकता था कि वन डे वर्क जो है, अगर मान लीजिए वो एक्स दिन लेता है किसी काम को खत्म करने में, तो 1 डे में कितना खत्म करता है, 1/x, इतना काम खत्म करके आता है। साथ ही साथ एक और बंदा है, वो थोड़ा सा एडवांस्ड है, वो वाई डेज ले लेता है, तो वो एक दिन में कितना काम खत्म करता होगा, आप बता सकते हैं? 1 डे वर्क उसका कितना होगा, 1/y होगा। सही बात है। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैं कहूं कि अब तुम दोनों लोग आओ, तुम भी आओ और तुम भी आओ, और दोनों लोग अब एक दीवार बनाओ, ठीक है, तो कहेंगे सर अब तो हम बहुत तेज कर देंगे काम, क्योंकि वो भी अपनी स्पीड पे करेगा, मैं भी अपनी स्पीड पे करूंगा। तो मैं उससे बोलूंगा आप कितना दिन लोगे, वो कह रहा है हमें इतना सब नहीं पता कितना दिन लेंगे। अब ये मत कहिएगा कि अगर वो 10 दिन लेता और वो 15 दिन लेता तो 25 दिन लेंगे, तो बेवकूफ़ी है, मैं दूसरे आदमी को लेकर आऊँ, है कि नहीं है? पर वो ये कहेंगे कि देखिए सर हमें नहीं पता कितना दिन हम लेंगे, लेकिन हमें पता है कि मैं जो है अकेला 1/x काम करता हूँ। और रेड वाला कहेगा सर मैं अकेला 1/y काम करता हूँ, तो कुल मिला के हम एक दिन में इतना काम कर देंगे, कुल मिला के हम एक दिन में कितना काम कर देंगे, 1/x + 1/y। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं बोलूं कि नहीं, अच्छा पता है तुम लोग ने कुल मिला के 12 दिन लिए, मतलब एक बंदा 10 दिन ले रहा था, एक बंदा 15 दिन ले रहा था, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए मैंने ऐसे बोल दिया, एक बंदा एक्स दिन ले रहा था, एक बंदा वाई दिन ले रहा था, मैंने देखा तुम लोग ने काम खत्म किया, मैं बोलूंगा तुम लोग ने पता है कितने दिन लिए, 12 दिन लिए, एक्सक्यूज मी। तो वो मैं कहूंगा, तो वो लोग कहेंगे ठीक है सर अगर आप ऐसा कह रहे हो कि हमने 12 दिन लिया, यानी हम एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे होंगे, 1/12 हिस्सा, हम एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे होंगे, 1/12 हिस्सा, क्योंकि हमने 12 दिन लिया दोनों ने मिलकर, मैं अपना काम कर रहा था अपनी क्षमता से, ये अपना काम कर रहा था अपनी क्षमता से, हम दोनों एक दिन में इतना काम करके जा रहे थे, लेकिन आपने कहा कि हमने 12 दिन लिया, तो यानी एक दिन में हम 1/12 काम करके जा रहे थे, एक दिन में हम कितना काम करके जा रहे थे, 1/12, 1/12। बात समझ में आ गई? यानी कि यहां से सीधे सीधे हमें ये कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। 8 men and 12 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, वाइल 6 men and 8 boys फिनिश इट इन 14 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन बी x days एंड 1/y अलोन बी y days। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अगर एक आदमी एक एक्स दिन लेता है, तो 1 day work of 1 man कितना होगा, एक 1 day work of 1 man कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अभी अभी आपने सीखा, अगर वो एक्स दिन में काम खत्म करता है तो एक दिन में 1/x करेगा। 1 day work of 1 boy 1/y हो जाएगा। सही है। आपको पता है कि अब वो 8 लोग लगाए आपने, एक आदमी अगर 1/x काम खत्म करता है तो 8 आदमी 8/x करेंगे, ज्यादा काम खत्म करेंगे, है कि नहीं है? बस सीधा सा काम है, एक दिन में ये 1/x करता है तो 8 आदमी 8/x कर देंगे।
तो 8 मैन कितना काम खत्म करेंगे, 8 बाय x, प्लस 12 बॉयज कितना काम खत्म करेंगे, 12 बाय y, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा 1 बाय 10। 1 बाय 10 क्यों, क्योंकि कुल कितने दिन उन्होंने लिए, 10 दिन, तो एक दिन में कितना काम खत्म करके गए होंगे, 1 बाय 10 कुल मिला के। सिमिलरली 6 मैन आए तो 6 बाय x किए, प्लस 8 बॉयज आए तो 8 बाय y काम हुआ, और कितना दिन लगा उनको, 14 डेज, तो एक दिन में कितना काम खत्म करके गए दोनों मिलकर, 1 बाय 14। क्या आपको कठिन लग रहा है? ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिए लीनियर इक्वेशन के सॉल्विंग मेथड्स में, मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी लिया है, तो अगर आपको याद है आप चाहे तो 1 बाय x को u लें, चाहे 1 बाय y को v, चाहे a b लें, चाहे ना भी लें, तो भी ये क्वेश्चन कर जाएंगे। पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरी वाली इक्वेशन को 4 से, इससे हो जाएगा ये 8 3 24 बाय x प्लस 36 बाय y। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपके लिए ये छोड़ दूंगा, 6 4 24 बाय x, आप भी समझ रहे हैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, 32 बाय y और 4 बाय 14। बस आप सबट्रैक्ट कर दीजिएगा दोनों इक्वेशन को, अब जैसे ही आप दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो 36 बाय y माइनस 32 बाय y हो जाएगा, तो वो जाएगा 34 बाय y, सॉरी 34 कह रहा हूँ, 4 बाय y इज इक्वल्स टू 3 बाय 10 माइनस 4 बाय 14 को आप 2 बाय 7 भी लिख सकते हो, आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, ये मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ से y निकाल लेना, 280 आता है शायद, क्यों 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 मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये वीडियो बना रहा था और अचानक से ब्रेक हो गया था किसी कारणवश, तो वाई इक्वल्स टू 140 या 280 आएगा और एक्स आएगा, मतलब बॉयज़ जो है वो ज़्यादा समय ले रहे थे, ठीक है आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, अगर आपका आंसर सही होगा तो कोई बता देगा हाँ सही है, वरना गलत होगा तो कोई और बता देगा, है ना, ठीक है, तो आप इसे करिएगा, ये अपने आप कर सकते हैं, इसमें कोई अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 होल 1 बाय 13 मिनट्स, ये भी CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, वो पूछे हैं इस तरह का क्वेश्चन, दो पाइप है जो एक साथ काम कर रहे हैं, वो किसी सिस्टर्न को 3 होल 1 बाय 13 मिनट्स में भर देते हैं, यहाँ गलती से आवर्स छप गया था, इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर देन द अदर टू फिल द सिस्टर्न, एक मटके को भरना है, एक पाइप दूसरे से 3 मिनट ज्यादा लेता है, तो लेट फर्स्ट पाइप टेक्स एक्स मिनट्स, कितना मिनट्स लेता है वो, एक्स मिनट्स लेता है, तो सेकेंड पाइप विल टेक कितना मिनट लेगा, एक्स प्लस 3 मिनट्स। आप चाहो तो सेकेंड पाइप को तेज करा सकते हो, तब वो एक्स माइनस 3 मिनट लेगा, अगर वो धीरे चल रहा है तो ज़्यादा समय लेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि एक पाइप एक्स मिनट में भर देता है, मान लीजिए वॉल्यूम वी भर देता है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक भी मान सकता था, मैं पूरे काम को एक मानते हुए आया हूँ, आप देखिएगा ये भी कट भी जाएगा, ये डमी वेरिएबल है, ठीक है, तो अगर मैं एक्स मिनट में वो कह रहा हूँ फर्स्ट पाइप वी वॉल्यूम यानी वी लीटर भर देता है, तो एक मिनट में कितना भरता होगा, वी बाय एक्स, सही बात है, 1 बाय x होता था, प्लस सेकेंड पाइप कितना भर देगा, वी बाय एक्स प्लस 3, कुल समय कितना लेते हैं भरने में, 13 3 39 प्लस 1, 40 बाय 13 लेते हैं, कुल समय कितना लेते हैं, 40 बाय 13, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि आपको 1 बाय में लिखना होता है, उतना हिस्सा भरेंगे एक मिनट में, अगर कुल 40 बाय 13 मिनट में पूरा भर देते हैं तो एक मिनट में कितना भरेंगे, 13 बाय 40 तो भरेंगे उतने पूरे वॉल्यूम का, सही है ना। अब आप वी देखिए सब में जा रहा है, कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे 1 बाय x हो जाएगा, इसीलिए मैं 1 बाय में लिख देता हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं है, एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 13 बाय 40, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 13x बराबर 13 बाय 40, सही है, तो यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 40 के साथ 2 आएगा तो 80x प्लस 120 बराबर आ जाएगा 13x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये 3 है माफ़ कीजिएगा, 13 3 जा 39x, ठीक है, सही है, तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक लिखिए, माइनस 80 उधर जाएगा तो सबट्रैक्ट करेगा, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 41x, 120 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, मुझे लगता है यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा, सॉल्यूशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्वाड्रेटिक्स का, ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता सकता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्विंग मैंने पहले ही सिखा दी है, बल्कि आप ये खुद करिए तो बेटर है, ठीक है, एक मिनट में मैं आपको आंसर बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए,
आप वेरीफाई करिएगा, आंसर आएगा या तो एक्स फाइव है या तो निगेटिव आएगा, तो मेरे ख्याल से एक्स फाइव ही होगा, एक्स की वैल्यू फाइव आएगी तो दूसरा वाला 8 मिनट लेगा, ठीक है, 5 मिनट और 8 मिनट आंसर आएगा, एक निगेटिव आ जाएगी वैल्यू, आप करके देखिएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने कहा इसको लेना ही चाहिए मुझे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, टू फिल अ स्विमिंग पूल टू टाइप पाइप्स आर यूज्ड, इस तरह का क्वेश्चन आता है। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। यानी पहले वाले पाइप को अगर हम 4 घंटे के लिए इस्तेमाल करें और दूसरे वाले को हम 9 घंटे के लिए इस्तेमाल करें तो सिर्फ आधा पूल ही भर पाएंगे। फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। अगर वो पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर 10 घंटे ज़्यादा लेता है लार्जर डायमीटर से, तो लेट लार्जर डायमीटर पाइप, लेट लार्जर डायमीटर पाइप टेक्स एक्स आवर्स, सही है। अगर मान लीजिए बड़े वाला जो बड़ा डाय का जो पाइप है वो एक्स आवर्स लेता है, तो छोटा वाला 10 घंटे ज़्यादा लेगा, तो स्मॉलर डायमीटर वाला कितना लेगा, एक्स प्लस 10 आवर्स लेगा, सही है। अच्छा, 1 घंटे में अगर लार्जर डायमीटर अकेले काम करता तो कितना भरता, 1/x भरता, मैंने अभी आपको बताया, वैसे v/x है लेकिन हमें v से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कैंसिल हो जाता है, तो 1/x भरता। स्मॉलर वाला कितना भरता, 1/x+10 भरता, सही बात है, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं चले है। बड़े वाले पाइप को, लार्जर वाले पाइप को आपने 4 घंटे इस्तेमाल किया है तो 4/x हुआ, 1 घंटे में वो 1/x भरता है तो 4 आवर्स में 4/x भर देगा, ज़्यादा समय लेगा तो ज़्यादा पानी भी तो भरेगा। स्मॉलर डायमीटर 9 घंटे चला है तो 9/x+10 हो जाएगा, जब दोनों मिल के चलते हैं तो आधा पूल ही भर पाते हैं, यानी कि v/2 वॉल्यूम भर पाते हैं, यानी कि आधी वॉल्यूम ही भर पाते हैं। मैंने 1 को बोल दिया वी है मेरा, मतलब मैंने बोल दिया कि मेरा 1 लीटर का टंकी है, कौन रोक लेगा मुझे, किसी ने कहा है क्या 20 लीटर का टंकी, मैंने बोल दिया 1 लीटर का टंकी है तो बस 1 लीटर का टंकी मैं भर ले रहा हूँ, वॉल्यूम तो कट जाना है वैसे भी। अब आप समझ गए, ये काफ़ी ईजी है, एलसीएम ले लीजिए, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे, मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस ये चीज़ आप समझ गया, रेसिप्रोकल करके करना है, ठीक है, तो हो जाएगा। तो कुल पानी आपने भर लिया, इतना पानी, इतना पानी, एक मिनट रुकिए, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या, तो फिल अ स्विमिंग पूल टू पाइप्स आर यूज्ड, एक मिनट, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। तो 1 घंटे में इसने कितना भरा है, 4/x भरा है, इसने कितना भरा है, 9/x+10 भरा है, इसने कितना टोटल वॉल्यूम कितना भरा गया है, आधा वॉल्यूम भरा गया है, तो 1/2 काम हुआ है, ठीक है, टोटल काम ही तो बता दिया आपने, इतने समय में अगर दोनों काम करते हैं तो आधा काम कर पाते हैं, आधा पानी भर पाते हैं, आधा पूल भर पाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x+40+9x (2) कर दे रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर x²+10x, ठीक है, तो ये 4x+9 (13)(2) 26x+80 बराबर x²+10x, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे x², देखिए 10 इधर आएगा 26 उधर जाएगा तो -16x हो जाएगा, +80 उधर जाएगा तो -80 हो जाएगा, मुझे लगता है 20 और 4 इसके फैक्टर्स हैं, +-20+4 लिख दीजिएगा और हो जाएगा, अब इसके आगे मैं नहीं करना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप इसे ट्राई करिए, ठीक, आपका x आ गया तो ऑटोमेटिकली समय आ गया कितना समय लग रहा है, ठीक है, दोनों का समय आपको इंडिविजुअली पता लग जाएगा, ईजी क्वेश्चन है, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, है ना, लेकिन आ रहा है सीबीएसई में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल में, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आपने इसे थोड़ा भी इधर उधर किया तो आपका बस पेपर भरता जाएगा, मतलब कागज भर जाएगा आपका, लेकिन आपका क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा इसका। ये सीरीज का आखिरी क्वेश्चन भी है इस वाले पार्ट का, टाइम एंड वर्क का, देखिए ये आर डी शर्मा का एग्जाम्पल है, अ स्विमिंग पूल इज फिल्ड विथ 3 पाइप्स विथ यूनिफॉर्म फ्लो, 3 पाइप से भरा जा रहा है, एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, वो 3 पाइप से भरा जा रहा है, द फर्स्ट 2 पाइप्स एक साथ काम करते हैं अगर तो फिल द पूल उतना ही समय में भर देंगे जितना कि पूल इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन, ठीक है। देखिए अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं उसके बाद सुन सकते हैं, ठीक है, मैं हिंदी में बस उसको कन्वर्स कर रहा हूं। तो अगर पहला पाइप और दूसरा पाइप एक साथ काम करें तो वो उतने ही समय लेंगे जितना तीसरा पाइप अकेले काम करके लेगा, ठीक है। द सेकेंड पाइप, जो दूसरा पाइप है वो फिल करता है पूल 5 आवर फास्टर, देखिए सेकेंड पाइप, फर्स्ट पाइप, थर्ड पाइप,
सेकेंड पाइप फिल द पूल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, यानी कि फर्स्ट पाइप को अगर मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, समझिए मेरी बात को, अगर ये एक्स लेता है, एक्स नहीं ले रहा हूँ मैं, एक्स नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ अगर ये 10 मिनट लेता है तो ये 5 आवर फास्टर है, 5 घंटा तेज है, तो ये 5 ही लेगा, 5 घंटा तेज है ना सेकेंड वाला, सेकेंड पाइप 5 घंटा तेज है, तो अगर ये 10 घंटे लेता है तो ये 5 ही घंटे लेगा। एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप, 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप, तो थर्ड पाइप से 4 घंटा धीरे है, यानी कि थर्ड पाइप से 4 घंटा धीरे, यानी थर्ड पाइप को 1 ही घंटा लग रहा था, थर्ड पाइप को 1 ही घंटा लग रहा था, तभी तो वो 4 घंटा धीरे चल रहा है, 5 घंटे ले रहा है, थर्ड पाइप को 1 ही घंटा लग रहा था। तो आप इसे रिलेट कैसे करेंगे? बहुत आसान है, अगर देखिए ये आपका कॉमन है क्योंकि यही दोनों साइड जा रहा है, सेकेंड वाले को फर्स्ट से भी कंपेयर किया आपने और सेकेंड वाले को थर्ड से भी कंपेयर किया, तो आप सेकेंड वाले को एक्स मानिएगा, इस क्वेश्चन में बस यही था। ये एक्स से कितना ज्यादा है फर्स्ट वाला? 5 ज्यादा है, सही है, और थर्ड वाला एक्स से कितना कम है? 4 कम है, समझ गए आप? आप समझे आपने कैसे कर लिया? आपने बोला कि भाई जो फर्स्ट वाला सेकेंड वाला है वो 5 घंटा तेज चलता है, तो अगर पहले वाला 10 घंटा लेता है तो दूसरा वाला 5 घंटा तेज है तो 5 ही घंटा लेगा, इसमें -5 कर दिया, और तीसरा वाला पाइप जो है वो दूसरे वाले पाइप से 4 घंटा मतलब बेसिकली अच्छा है, या आप ये कह सकते हो कि सेकेंड वाला 4 घंटा धीरे चल रहा है, तो यानी वो 1 घंटे में भर रहा होगा तभी इसने 5 घंटे लिए, तो बस आपने इसे रिलेट कर लिया। अगर ये एक्स है तो ये -4 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और ये लाने के लिए x+5 कर देंगे, हो गया खत्म काम, आपने लिख लिया सबका। अब आपको पता है पहला वाला 1 घंटे में 1/x+5 भरेगा, रेसिप्रोकल करना है, दूसरा वाला 1/x भरेगा, दोनों मिल के कितना भरेंगे? जितना तीसरा वाला अकेले कर सकता है, बस हो गया खत्म काम। एलसीएम ले लीजिए, x(x+5) ये हो जाएगा x+x+5 1/x-4, देखिए हो जाएगा x+x 2x+5, बहुत इजी हो गया ना। देखिए वही बात है, आपको बस एक बार समझ लेना है, इसमें कुछ है इतना है नहीं, और इसी तरह का पेपर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2x² - 8x + 5x - 20 इक्वल्स टू आ जाएगा x² + 5x, 5x 5x कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, x² इधर आएगा तो x² - 8x - 20 बचेगा, 2 10 जा 20 होता है और 10 - 2 8 होता है। अब मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप x निकाल लीजिए, सबकी x वैल्यू रख दीजिए, निगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर दीजिएगा, समझ गए बात को? तो समझ रहे हैं इतना इजी कॉन्सेप्ट है। अगला जो आएगा वो आएगा रीजनिंग बेस्ड, और फिर लास्ट होगा टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस। अब बस ज़्यादा नहीं बचे हैं, बस थोड़े से और रह गए, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ मैं वर्ड प्रॉब्लम, आप इसको देख लीजिए, आपका 4, 3, 7 नंबर आने वाला है इसमें से, मैं अप्रॉक्सीमेटली मानता हूँ कि 7 नंबर आएगा, 2 वर्ड प्रॉब्लम तो आएंगे, 1 3 नंबर में और 1 4 नंबर में, 1 लीनियर इक्वेशन का और 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सही बात है कि नहीं? तो या तो चॉइस में दे देंगे वो, और आपको एक सिंपल वाला दे देंगे, यही कर सकते हैं, तो लेकिन अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा है तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से, तो 7 नंबर तय है, इसीलिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ अलग अलग पे, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियोज प्लीज डू शेयर दैम, एंड इफ यू डू नॉट लाइक दैट प्लीज प्रेस द डिसलाइक बटन, एंड या विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।